दोस्तों अगर आप भी प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी करते हैं, चाहे किसी कंपनी में, फैक्ट्री में, कहीं पर भी, तो बस चंद दिन बचे हैं। इस साल 2024 का बजट आने वाला है और इस बजट में नौकरी करने वाले लोगों के लिए सरकार क्या कुछ प्लान कर रही है, क्या संभावित घोषणाएं हो सकती हैं, आइए देखते हैं। इस साल का संसद का बजट सत्र 31 जनवरी 2024 से शुरू होने जा रहा, जो 9 फरवरी 2024 तक चलेगा और 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आम बजट पेश करेगी 2024-25 के लिए। वैसे तो इस बजट में मुख्य तौर पर देश के पीएम मोदी द्वारा बताई गई 4 प्रमुख जातियों पर फोकस रहेगा, जिसमें महिलाओं, गरीबों, युवाओं और किसान पर बजट में ज्यादा जोर दिया जाएगा। हालांकि आदिवासियों पर भी बजट में अच्छा फोकस रखा जाएगा। केंद्र सरकार इन सभी के लिए कुछ नई योजनाएं, खास नई स्कीम लेकर आ सकती है। इस बारे में तो जानकारी मैंने आपको डीएलएस न्यूज पर कल ही एक वीडियो में बताई थी, राइट। बहरहाल अभी बात करते हैं कि नौकरी करने वालों के लिए भी बजट 2024 में क्या क्या बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, क्या क्या बड़े ऐलान हो सकते हैं। ये अभी लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के कार्यकाल का दूसरा और इस कार्यकाल का आखिरी बजट होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को छठी बार सदन में बजट पेश करने जा रही है और 2024 के बजट को लेकर सारी तैयारियां भी पूरी हो गई है। ये तो आप समझते ही होंगे दोस्तों कि बजट में सरकार पूरे एक साल का लेखा जोखा आम जनता को बताती है कि एक साल में क्या क्या नए प्लान रखे गए, किस क्षेत्र में कितना पैसा खर्च किया जाएगा वगैरह वगैरह, राइट। ऐसे में इस बार लोकसभा चुनाव से पहले सरकार वोट बैंक साधने के लिए सैलरी क्लास के जुड़े कुछ लोगों के लिए नए ऐलान कर सकती है। यानी कि जो नौकरी वगैरह करते हैं महीने की सैलरी पर आधारित, उनके लिए बजट में कुछ उम्मीद दिख रही है, जिसमें पहली उम्मीद है स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ने की उम्मीद है। इस अंतरिम बजट से पहले नौकरी पेशा टैक्स पेयर्स को बड़ी उम्मीद मिल सकती है कि सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए कर सकती है, क्योंकि पिछले बार बजट में नौकरी करने वाले लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 50,000 रुपए किया गया था, राइट। क्या लोकसभा चुनाव से पहले ये लोक लुभावन बजट होगा या नहीं, देखिए कुछ संभावित घोषणाओं से। अच्छा, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ने से नौकरी करने वाले लोगों के हाथ में पैसा थोड़ा बढ़ जाएगा और बढ़ती महंगाई से भी उन्हें राहत मिलेगी। सिंपल भाषा में बताऊं दोस्तों कि स्टैंडर्ड डिडक्शन इनकम क्या होता है, तो ये इनकम वो कटौती होती है जिसे आपकी टैक्सेबल इनकम से काट कर अलग कर दिया जाता है। इसके बाद बची हुई आमदनी पर टैक्स की गणना की जाती है, तो इससे सैलरीड क्लास की टैक्सेबल इनकम घट जाएगी, जिससे उसकी टैक्स लायबिलिटीज कम हो जाती है, यानी कि टैक्स कम भरना पड़ेगा। सिंपल भाषा में कहे तो ये है। स्टैंडर्ड डिडक्शन के जरिए वेतन भोगी कर्मचारी और पेंशनर्स को टैक्स में छूट की फैसिलिटी भी मिलती है और इससे टैक्स पेयर्स को भी बड़ा फायदा होगा। हालांकि जो खुद का बिजनेस करते हैं, कारोबारी है, व्यापारी है, उनको इस स्टैंडर्ड डिडक्शन टैक्स पेयर से कोई फायदा नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा नौकरियां वगैरह भी अच्छी खासी आएगी। देखिए, हाल ही में बजट 2024 से पहले आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने जॉब्स को लेकर भी एक बड़ा चैलेंज बताया था। क्या वित्त मंत्री जॉब क्रिएशन का रोडमैप भी पेश कर सकेगी बजट में? हालांकि कई राज्यों में इस साल आपको अच्छी खासी जॉब्स और नौकरियां देखने को मिलेगी आने वाले 1-1.5 साल में। हाल ही में आपको बताऊंगा, बिहार सरकार ने भी 2025 तक 10 लाख लोगों को नौकरियां देने का वादा किया था। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी कहा कि अगले 2.5 साल में 5 लाख नौकरी देंगे। 2025 तक 10 लाख जॉब देगी हमारी महागठबंधन की सरकार। और यूपी में भी महिला होमगार्ड के लिए 30,000 से ज्यादा पदों पर नौकरी आने वाली है। खास करके महिलाओं को इससे नौकरी मिलेगी। अभी आपको बताऊंगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल की 60,000 से भी ज्यादा पदों पर वैकेंसी चल रही है, फॉर्म भरे जा रहे हैं उसमें युवाओं के लिए। तो 2024 में सरकारी नौकरियां भी धड़ाधड़ आने वाली है। जो युवा कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी चालू रखें। और इतना ही नहीं दोस्तों, प्राइवेट क्षेत्र में भी इस साल अच्छी खासी नौकरियां आएगी। वो कैसे? हाल ही में आपको बताऊंगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात वाइब्रेंट समिट में भी कहा था कि भारत 25 साल के लक्ष्य पर काम कर रहा है। गुजरात में अगले 5 साल में अडानी ग्रुप भी 2,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। गौतम अडानी की तरफ से ये घोषणा की गई थी गुजरात वाइब्रेंट समिट में। मैंने आपको डीएलएस न्यूज पर बताई भी थी ये अपडेट, राइट। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा था कि भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा और गुजरात में मारुति कंपनी भी नया इलेक्ट्रिक कार का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रही है, 35,000 करोड़ का निवेश करेगी। अच्छा, ये सभी जो निवेश होंगे, इससे अच्छे खासे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मतलब प्राइवेट क्षेत्र में डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाखों युवाओं को नौकरियां मिलेगी। तो दोस्तों, देश में जो अभी आम आदमी के लिए सबसे बड़े समस्या के मुद्दे हैं, जिनमें महंगाई, बेरोजगारी है ना, तो ये बेरोजगारी का मुद्दा इस साल खत्म होने की ओर अग्रसर होगा, क्योंकि भारत विकासशील से विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर हो चुका है। हाल ही में पीएम मोदी ने भी आपको बताऊंगा, 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का प्लान रखा था। अच्छा, गुजरात के अलावा तमिलनाडु में भी जीआईएम समिट का आयोजन हुआ। तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2024 में 6,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के निवेश प्रस्ताव आए। तमिलनाडु में भी अडानी ने घोषणा की थी 42,700 करोड़ के निवेश की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की उपस्थिति में यह समझौता हुआ था। इससे पहले आपको बताऊंगा, उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ था। यूपी की योगी सरकार ने भी लाखों करोड़ रुपए के निवेश देश दुनिया के अलग अलग कंपनी से यूपी में इनवाइट किए थे। तो यूपी के भी लाखों युवाओं को नौकरियां मिलने वाली हैं। ये सभी निवेश इंप्लीमेंट होंगे इस साल 2024-25 में। और भारत अब सेमीकंडक्टर चिप में भी आत्मनिर्भर बनने जा रहा। इस साल वैश्विक चिप निर्माण नक्शे पर स्थापित हो जाएगा भारत। साल के अंत तक मेड इन इंडिया चिप भी आ जाएगी, जो सेमीकंडक्टर चिप जिसका इस्तेमाल ज्यादातर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में किया जाता है। तो ये भी भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा। डिफेंस के सेक्टर में तो आपको पता ही है, भारत ऑलरेडी आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। अभी ज्यादातर देश में जो रक्षा उपकरण है, वो भारत में ही बन रहे। उल्टा इंडिया इंपोर्ट की बजाय एक्सपोर्ट करने लगा डिफेंस के इक्विपमेंट।
इक्विपमेंट। और इतना ही नहीं दोस्तों, गेम तो अब शुरू होगा। देश में बनेंगे 50,000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे भी, 80 की स्पीड से भागेंगे ट्रक भी, कॉमर्शियल व्हीकल भी तेजी से चल पाएंगे। अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे समेत देश को कई बड़े राजमार्ग की सौगात तो मिल चुकी है, लेकिन अब सरकार ने प्लान रखा अगले 13 साल में देश में सड़कों का नक्शा पूरी तरह से बदल दिया जाएगा। और ये प्रोजेक्ट के बाद भारत वर्ल्ड क्लास सड़कों के मामलों में अमेरिका को भी टक्कर देने लगेगा। अगले 1.5 दशक के लिए बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर BOT प्रोजेक्ट तैयार किया सरकार ने। अभी NHAI के आंकड़ों की माने दोस्तों तो सालाना 10,000 किलोमीटर के हाईवेज बनाए जा रहे हैं, राजमार्ग मंत्रालय के सड़क परिवहन मिनिस्ट्री के आंकड़े। तो अब प्लान ये सरकार का कुल मिलाकर के आने वाले सालों में देश में धड़ल्ले से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी किया जाएगा और सोलर एनर्जी को भी बढ़ावा मिल रहा। तो ये कुछ काफी अपडेट है, इससे प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों की बूम आएगी। और बाकी खबर है दोस्तों की प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी करने वाले लोगों के लिए सरकार इंश्योरेंस स्कीम भी लेकर आ सकती है, कोई अच्छी बीमा योजना भी ला सकती है। बहरहाल बजट में जो भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट किए जाएंगे, मैं आपको इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से हर एक हाइलाइट्स और कंप्लीट डिटेल जानकारी A to Z इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल तक पहुंचाऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है इसी चैनल के माध्यम से। बस आपको करना ही है, इस चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ठीक है? इससे आप कभी कोई काम के इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट मिस नहीं कर पाओगे। और बाकी आपका दिल करे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना आपके अपने DLS न्यूज भाई को सपोर्ट करने के लिए। बहरहाल मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।